3, 2, 1. Hey guys, welcome back to my channel. आज है 29 जुलाई और आज है सैटरडे. सो दिस इज़ वन डे आफ्टर माई सेकेंड टूथ रिमूवल एंड पेन किलर्स ले लिए हैं मैंने. सो आई एम सॉर्ट ऑफ लाइक अ लिटिल ड्राउजी ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू स्टेप आउट ऑल्सो. तो बस जा रहे हैं हम लोग सबसे नियरेस्ट ज़ूडियो जो यहाँ खुल गया है, मलाड में ही खुला है. तो ये नया ज़ूडियो जो ओपन हुआ है, मुझे जाके एक्सप्लोर करना था और देखना था क्या ऑप्शंस है. तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ में लेके चलो. तो चलो फिर देखते हैं ज़ूडियो में क्या नया है. हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक. हेलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. से हाय टू वॉइस ओवर एपी. ये देखो माइक चेक करने के बाद भी मेरा माइक नहीं चला. तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, अब मुझे इसको वॉइस ओवर करना पड़ेगा ही पड़ेगा. तो अब आप प्लीज़ बेयर विथ मी. तो यहाँ पे पता नहीं मैं क्या बोल रही थी. आई स्वेयर आई डोंट नो. मैं जब बातें करना शुरू करती हूँ तो चालू हो ही जाती हूँ. अभी मेरा बेसिक पर्पज़ यहाँ पे ये था कि मुझे आपके साथ शेयर करना था हमारा ज़ूडियो हॉल. और काफ़ी दिनों के बाद ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं आपको ना एक लाइन में आपको बता देना चाहती हूँ. सस्ता है पर अच्छा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है. क्योंकि अब आप आगे देखिए, कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ कुछ चीज़ें
यूज़ करने के बाद बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो पहला तो मैंने लिया था कॉटन वाइप्स, 79 में मिल गया था। ये क्लिप्स काफ़ी अच्छी चल रही है, कॉटन वाइप्स भी ठीक ठाक है। और उसके बाद में हमने लिया था, मेरे लिए मैंने लिया था ये लिप कलर रिमूवर। तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छा है, स्पेशली व्हेन आई वांट टू डू स्वॉचेस। तो इफ़ आई वांट टू कीप ऑन ट्राइंग लिपस्टिक्स, बिकॉज आई एम अ बिग लिपस्टिक जंकी, सो आई डेफिनेटली हैव अ सीरियस यूज़ फॉर दिस। और ये अच्छा चल रहा है। और इसके बाद में हमने वहाँ से लिए थे, हाँ अरे हाँ, मैंने अपने लिए लिया था ये लिप ग्लॉस, एक बहुत ब्यूटीफुल सा लिप ग्लॉस था। उसमें काफ़ी अच्छे से शिमर्स थे, अंदर शिमर डस्ट था, सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और एक था मोव शेड, दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन मी। तो ये दोनों लिपस्टिक्स ले ली थी, आई थिंक ये अबाउट 199 की थी, हाँ 199 की थी आई थिंक। इट इज़ बीन वर्किंग रियली वेल। और ये लिपस्टिक बहुत अच्छी निकली है, फुल मार्क्स मैं दूंगी फॉर सच अ प्राइस रेंज। ये काफ़ी अच्छी काम कर रही है और इट डजेंट पिल, ना ही वो स्टिकी है, और बहुत अच्छा फिनिश भी है। और साथ ही में मैंने लिया था ये परफ्यूम, हमने सिर्फ ट्राई के लिए लिया क्योंकि मैक्सिमम परफ्यूम्स मुझे वहाँ पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, एंड स्मेलिंग गुड इज़ की टू अ गुड प्रेजेंटेशन। सो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अभी के लिए एक ही ले लेते हैं, उसके बाद में दूसरे ट्राई करेंगे इफ़ वी लाइक दिस। दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रिक्टली एवरेज, सो इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग एज सच। इट लास्ट फॉर अबाउट 1.5 और मैक्सिमम फॉर 2 hours मेरे पे। सो आई लीव इट टू यू फॉर यू टू ट्राई एंड सी इट फॉर योर सेल्फ हाउ इट वर्क्स फॉर यू। और दूसरा हमने वहाँ से लिए थे कुछ क्लोदिंग, एसेंशियल क्लोदिंग ही ली थी मैंने, तो आई थिंक आई विल जस्ट कम टू दैट नाउ। और अभी मैं शुरू कर रही हूँ शॉर्ट्स से। मी एंड माई हस्बैंड एक्चुअली बॉट द सेम एग्जैक्ट शॉर्ट्स, या वी बॉट द सेम एग्जैक्ट शॉर्ट्स फॉर बोथ ऑफ अस। और ये शॉर्ट्स भी ठीक है, लाइक काफ़ी थिक मटीरियल है इसका, सो आई डिड लाइक इट। लेकिन आई थिंक कुछ देर पहनने के बाद में ना ये थोड़े से इट जस्ट मूव्स अराउंड इन इट्स शेप, सो आई डेंट लाइक इट। ये थी टी शर्ट, ये भी कुछ 199 की थी। अब 199 में मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, ये कितना ही चलेगा। ठीक है, ये अच्छी निकली है, इसको मैं सिर्फ ऐसे ही घर में ही पहन रही हूँ फिलहाल के लिए, सो इट्स ओके, दिस इज़ अ गुड टी शर्ट फॉर 199। दूसरा तो जो क्लोदिंग लिया था वो हमने लिया था बेसिकली मेरे हस्बैंड के लिए कुछ, हाँ देखो मैं आपको ये दूसरा एग्जैक्ट सेम शॉर्ट दिखा रही हूँ। और एक शॉर्ट जो मेरे हस्बैंड ने लिया ना वो काफ़ी अच्छा निकला, उसका एक्चुअली कोऑर्ड सेट के ऑप्शन था, यानी कि एग्जैक्ट सेम एक स्वेट शर्ट टाइप उसका अपर था और लोअर थे वो शॉर्ट्स, एंड दे हैड दीज लाइंस ऑन देम, पैरेलल लाइंस, इट वाज ब्यूटीफुली डन। बट हमें वो बाद में मिला ही नहीं। फिर बेसिकली हमको उसी दिन ख़रीदना चाहिए था लेकिन हमने नहीं ख़रीदा, नेक्स्ट टाइम हम लोग गए तो हमको मिला ही नहीं। और इसके बाद हमने लिए थे कुछ फॉर्मल शर्ट्स मेरे हस्बैंड के लिए, और देखने में काफ़ी अच्छे थे, दे वर लुकिंग अ लिटिल बिट यू नो बिकॉज देर वॉज अ लिटिल शाइन ऑन दिस फैब्रिक। बट आई हैव अ रूल कि व्हेनेवर आई बाय क्लोदिंग वी फर्स्ट वॉश इट एंड ओनली देन यूज़ इट। आई नो कि काफ़ी सारे लोग डायरेक्टली पहन लेते हैं बट आई डोंट एंडोर्स दैट, सो आई वॉश्ड दीज क्लोथ्स एज वेल। और इसमें से काफ़ी सारे कपड़ों की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई। मैं हैंड वॉश करती हूँ, लेट मी टेल यू, आई डोंट टक देम इन मशीन। सो आई हैंड वॉश बोथ दी शर्ट्स विथ वैनिश द पिंक लिक्विड, बट वैनिश इज़ नॉट सपोज टू डैमेज दीज काइंड ऑफ क्लोदिंग, बट इनकी हालत थोड़ी सी खस्ता हो गई। तो ये दोनों जो शर्ट्स हमने लिए, एक ब्लैक वाला आपको दिखाया, दूसरा एक और शर्ट लिया था, बोथ डिडंट टर्न आउट वेल। कुछ 800 या 900 रुपीज़ की एक शर्ट थी, पूरा पैसा वेस्ट लग रहा है हम लोगों को। तो एनीवे वो लिया, फिर आगे का तो मुझे पता नहीं, सो वी आर जस्ट कमिंग बैक टू दैट सेम। हम दोनों का ओपिनियन, मेरे और मेरे हस्बैंड का यही ओपिनियन था कि वी आर नॉट गोइंग टू बाय मोर क्लोदिंग फ्रॉम ज़ूडियो, स्पेशली फॉर्मल क्लोदिंग एब्सोल्युटली नॉट। बाकी की चीज़ें अब देखते हैं, जैसे कि हम लोग को शॉर्ट्स ठीक लगे, मुझे टी शर्ट ओके लगी, आगे देखते हैं अगर और कुछ अच्छा लगे या फिर विल सी। सो दैट्स ऑल। और इसके बाद में आई थिंक, आई डोंट नो अगर और भी कुछ चीज़ें हमने कुछ मैंने ली है तो आई डोंट रिमेम्बर।
हाँ तो ये थी वो शॉर्ट्स जो दूसरी वाली थी जिसमें थोड़ी सी लाइंस थे, बस दैट्स इट। और कुछ डियोस थे स्टूडियो में, और साथ ही में थे हेयर स्क्रंचीज एंड फुटवेयर एंड किड्स का सेक्शन था, तो देर वॉज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस बेसिकली ओवर देयर। पर ऑब्वियसली जो हमें ज़रूरत रहेगी हम वही ख़रीद के दिखा सकते हैं, तो वही ख़रीदा जो कुछ भी आपके साथ शेयर किया है। इफ़ यू लाइक दिस लिटिल बिट ऑफ यू नो ये छोटा सा हॉल जो हमने शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से बताना। और इफ़ यू वुड लाइक अस टू ब्रिंग मोर सच कॉन्टेंट, प्लीज़ कनेक्ट टू अस ऑन द कॉमेंट सेक्शन एंड विल बी हैप्पी टू शेयर वॉट एवर योर क्वेरीज, विल बी हैप्पी टू शेयर आर फीडबैक, आर ओपिनियंस और आर सजेशंस ऑन इट। बस और तो कुछ नहीं, यही था हमारा छोटा मोटा सा हॉल और यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, सारे के सारे शूट्स किए हुए हैं, बस एडिट्स में बहुत टाइम लग जाता है मुझे। बेसिकली आपको पता है कि मेरे मेरे घर में आई डोंट हैव अ हाउस हेल्प, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ हाउस वर्क एंड देन देर इज़ दी शूट्स एंड देन देर इज़ दिस एडिट्स एज वेल। तो बस धीरे धीरे जितना हो सकता है उतना मैं आपके पास ये कंटेंट लेके आती हूँ, और ये शुरुआत है। ऑब्वियसली वी आर नाउ 31 सब्सक्राइबर्स स्ट्रॉन्ग, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, ऑल 31 ऑफ यू, बिग हार्ट, मच लव, टेक केयर एंड सी यू सो वेरी सून, बाय बाय।